दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कोई भी चैनल ऐड और डिलीट कर सकते हैं अपने D2H अकाउंट पे, या कैसे आप अपना पैक सिलेक्ट कर सकते हैं अपने D2H अकाउंट पे। तो इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाके D2H Infinity ऐप डाउनलोड कर लेना है। सो खोलने के बाद आपको यहाँ अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने पहले से बना लिया तो आप लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपका उसमें D2H ID लगेगा और आपका ईमेल ID। तो वो होने के बाद आपको जाना है मेन मेन्यू में, साइड मेन्यू में। उसमें आपको कंज्यूमर कॉर्नर का ऑप्शन मिल जाता है। कंज्यूमर कॉर्नर में जाने के बाद आपको क्रिएट मेरा वाला पैक सबसे ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बना लिया है इसलिए मेरा वाला पैक लिखा रहा है इसमें। उसमें जाने के बाद आपको अपना जो भी चैनल ऐड करना है, डिलीट करना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। या फिर आपको अपना पैक बनाना है तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे कि हमारा चैनल ऑप्शन खुल चुका है यहाँ पे। सो खुलने के बाद इसका प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो है मानते हैं, लेकिन फिर भी काम चला हुआ है, ऐसे से करना ही है सब कुछ। अब तो यहाँ पे अब आपको अपना, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा खुल गया है। और मैं बता देना चाहूँगा, कुछ कुछ चैनल का जैसे लॉक लगा हुआ है, उसका मतलब ये कि अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हो, चैनल ले लेते हो, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते एक महीने तक। एक महीने के बाद आप उसको डिलीट मार सकते हैं। सब चैनल के साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चैनल ऐसा होता है, पॉलिसीज और ऐसा कुछ होता है उनका। तो इसके बाद आपको इसको एग्ज़िट मारना है और अपना पैक बनाना है। तो कोई भी चैनल सिलेक्ट कर ले, आपको HD में बनाना है, SD में बनाना है। अगर HD में बनाना है तो ये ऑप्शन जो SD वाला है उस पर सिलेक्ट करके आप HD भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कि मेरा वाला जो सेटअप बॉक्स है वो HD का नहीं है, तो इसलिए मेरा HD ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपका HD वाला सेटअप बॉक्स है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो भी चैनल सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई चैनल का बुकेट चूज़ करना है तो आप यहाँ पर आपको बुकेट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको अपना चैनल, बस पर्टिकुलर चैनल सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे इन्फोटेनमेंट हो गया है, फिर लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह आपका, या इन्फोटेनमेंट में आपका आ जाता है डिज्नी, फिर आपका डिस्कवरी चैनल वगैरह। तो आप यहाँ से मान लीजिए मैं ये चैनल को टच करता हूँ, तो ये आपके कार्ट पे ऐड हो जाएगा। तो अगर आप फिर जो भी चैनल ऐड करिएगा तो यहाँ पे कार्ट पे आपका ऐड हो जाएगा, और आपके प्रोसीड करने के बाद वो चैनल ऐड हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं कैसे वापस डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई गलती हो गई या फिर आप नहीं चाहते कि कोई चैनल ऐड या डिलीट करे, तो आपको बस नॉर्मल क्लियर सिलेक्शन कर देना है। तो उससे आपका जो भी सिलेक्शन है, जो भी आपने सिलेक्ट किया चैनल, वो डिलीट हो जाएगा आपके पैक से। तो अगर आपको नॉर्मल डिलीट ही करना है ऑप्शन आपके पहले वाले पैक से कोई चैनल को, तो आपको अगर वापस बैक जाना पड़ेगा, फिर से वही मेरे वाला पैक पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वही प्रोसेस दोहराना पड़ेगा जो हमने सिलेक्शन के लिए किया था। जैसे कि आपने देखा होगा, उसके बगल में एक डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, उस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं नॉर्मली। देख सकते हैं कि हमारे जो भी चैनल है उसके बगल में डिलीट का ऑप्शन है, तो आप नॉर्मली डिलीट कर सकते हैं उसको, जिसको चाहें उसको डिलीट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं।
और ये लॉक के बारे में मैंने तो बता ही दिया। तो दोस्तों यही था कुछ बेसिक तरीके जिससे आप चैनल ऐड या डिलीट कर सकते हैं अपने D2H अकाउंट से। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे हमेशा वीडियो लाते रहूँगा और आप कुछ कुछ सीखते रहेंगे। थैंक यू।